सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल। रीवा में उपचार जारी, जहां पर घटना रीवा के हाईवे बाईपास की बताई जा रही है। इलाहाबाद प्रयागराज में माता पिता की अस्थि विसर्जन कर निजी वाहन टवेरा से घर वापस लौट रहे वंशकार परिवार एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। रात्रि के समय रीवा बाईपास पर ट्रक से सीधी टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित संजय वंशकार सुल्तानपुर ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में हम बुरी तरह से टूट चुके हैं और बुद्धि काम नहीं कर रही है। ऐसे विपरीत में मुझे निर्धन गरीब को सहारे की जरूरत थी और एक सप्ताह होने को है, लेकिन सुल्तानपुर स्थानीय प्रशासन, चाहे वह तहसील हो या फिर नगर परिषद, ने अभी तक हमारी सूद नहीं ली है। एक चपरासी से लेकर अधिकारी तक किसी ने भी यहां आकर मेरा हाल जानने का प्रयास नहीं किया है। आपको बता दें कि एक गरीब परिवार के घर से एक साथ तीन तीन अर्थी का निकलना, शमशान के एक साथ दाह संस्कार किए जाने का वह विभत्स हृदय विदारक असहनीय दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार के प्रति क्या स्थानीय प्रशासन का कोई भी दायित्व नहीं बनता? नगर के लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? संजय वंशकार है। कहाँ रहते हो? सुल्तानपुर में। भैया, अभी दुर्घटना हुई है, कहाँ हुई, कैसे हुई? जे रीवा हाईवे पे हुई है। तो कितने लोग हताहत हैं? चार लोग इस पार्ट पर खत्म हो गए हैं, तीन लोग घायल हैं। अच्छा, वो कहाँ हैं? तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। एक को भोपाल रेफर करा गया है, उसका ऑपरेशन है। भैया भाभी वहीं एडमिट हैं। तो ये प्रशासन की तरफ से आपको मदद के लिए कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया साहब, ना तो नगर पालिका से आए, ना तहसील से, ना थाने से। अच्छा, अब आपको आपको क्या चाहिए इस वक्त? अरे साहब, चाहिए कुछ नहीं, कम से कम आ तो जाओ, हम नगर के आदमी, कोई खबर तो ले हमारी, कोई दे तो, कोई पूछ। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।